यस स्टूडेंट्स, दिस इज अ क्वेश्चन रिलेटेड विद द स्यूडो पोस एसेंस है। आप देखिए कैसे सोचना है। ये एक सिस्टम है, देयर थ्री बॉडी सिस्टम, मास एम वन, मास एम टू एंड मास एम थ्री। और इस पूरे सिस्टम पे तुम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो पूरा सिस्टम इधर एक्सीलेट कर रहा है विद एक्सीलरेशन ए। दिस इम्प्लाइज कि ड्यू टू फोर्स एफ इक्वल एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री टाइम्स ऑफ ए, एफ इक्वल टोटल मास इंटू एक्सीलरेशन, ये द फोर्स एफ है। राइट, अब देखिए जी होगा क्या। ड्यू टू वेट ये मास एम वन नीचे आना चाहेगा तो ये इधर एम वन फोर्स एक्ट करेगा, एम वन जी ड्यू टू वेट ये नीचे आना चाहेगा। और इस बॉडी में ये इधर मूव कर रहा है तो इस पे स्यूडो फोर्स इधर लगेगा, बट नॉर्मल रिएक्टेंट फोर्स भी इधर लग जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, इधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट। फ्रिक्शन होता तो फर्क पड़ जाता बट फ्रिक्शन इज टेकन जीरो। और टेंशन टी अपवर्ड एड करेगा, टी अपवर्ड है। नाउ सो इसमें से फ्री बॉडी डायग्राम इक्वेशन हमारा होगा एम वन जी माइनस टी इक्वल एम वन ए, इक्वेशन नंबर वन, ये फर्स्ट इक्वेशन। एंड अब इसमें से देखिए इसका क्या होगा, यहां पे टेंशन टी इस साइड एक्ट करेगा और इसमें स्यूडो फोर्स इधर है। एंड अब क्वेश्चन ये है कि फिर चूंकि मैंने इसका एक्सीलेशन दिखा दिया, इट्स एक्सीलेशन इज ए, और यहां पर भी ए लिया है तो हमें चेंज करने पड़ेगा, इट इज बी, इट्स ये टोटल का एक्सीलेशन इधर मैंने ए लिया है तो अब इसका एक्सीलेशन बी है, तो यहां पर टेंशन टी एक्ट कर रहा है। अब ये जो इधर स्यूडो फोर्स है दिस इज द ए, अब इसमें से अब तुम्हें ध्यान देना है कि अब क्या करोगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम इक्वेशन आपको लिखना है कि व्हाट विल बी फ्री बॉडी डायग्राम इक्वेशन ऑफ दिस, इसे आपको सोचना होगा कि अब आप क्या करेंगे। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। प्रैक्टिकली इन दिस केस इस बॉडी पे इस साइड टोटल सिस्टम की वजह से इधर मूव कर रहा है तो वो स्यूडो फोर्स इधर एक्ट कर रहा है, टेंशन इसको इधर पुल करेगा और स्टिल इट इज कमिंग डाउनवर्ड्स, स्टिल इट इज कमिंग डाउनवर्ड्स, सो दैट इज टी माइनस एम टू ए इक्वल एम टू बी सेकेंड वन। पूरे सिस्टम में डाउनवर्ड्स एक्सीलरेशन आपने बी लिया हुआ है, टेंशन टी सेम वायर में सेम टेंशन होगा, टेंशन इज एक्टिंग अलोंग दिस, टेंशन इधर एक्ट कर रहा है, पूरे सिस्टम इधर मूव कर रहा है तो इस पे स्यूडो फोर्स इधर एक्ट करेगा। ये मान लीजिए ना कि एक यहाँ पर आप बैठे हो तो और ये पूरी कार है, कार इधर मूव करेगी तुम्हारी बॉडी पे इधर स्यूडो फोर्स लगेगा, ये स्यूडो फोर्स इधर लग रहा है फिर भी ये सिस्टम नीचे की तरफ ऐसे आ रहा है, सो दिस इम्प्लाइज टी माइनस दिस इक्वल एम टू बी, सो दिस इज इक्वेशन नंबर टू। ये आपके क्वेश्चन हैं, राइट, इट्स ओवर। तो आप इन्हें आप देख लीजिए, इन केस कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा, राइट, ओके। हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस क्वेश्चन देर इज ए ट्रक और इस ट्रक में ही आपने एम मास बॉडी आपने पुट किया है, इट्स मास इज एम और इसे आपने एक स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया, इट्स स्प्रिंग कॉन्स्टेंट इज के। सो नाउ क्वेश्चन इज दिस, दैट इज व्हाट इज द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, और यहां पर मैंने फ्रिक्शन भी ले लिया है एंड कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज म्यू के, या म्यू के कह लीजिए, ये आपने बना दिया। सो प्रैक्टिकली जब ये इधर मूव करेगा
तो हमें ये देखने हैं कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करेंगे, व्हिच फोर्सेस विल एक्ट इन दिस केस। इस पर एक फोर्स इधर लगेगा, स्यूडो फोर्स एम ए, एंड जब ये इधर मूव करेगा ड्यू टू स्यूडो फोर्स इधर लगेगा, इधर मूव करेगा तो फ्रिक्शन इधर एक्ट करेगा, फ्रिक्शन इसे रोकेगा, एंड स्प्रिंग भी स्ट्रेच हो जाएगी और वो भी उसे रोकेगी। तो इन केस एम ए स्यूडो फोर्स इज लेस देन इफ स्यूडो फोर्स एम ए इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एन, स्टैटिक फ्रिक्शन से लेस है तो ये बॉडी आगे मूव नहीं करेगी, स्प्रिंग में एक्सटेंशन विल बी जीरो, देन एक्स एक्सटेंशन इज जीरो, कोई एक्सटेंशन नहीं होगा। और इन केस ये एम ए इज ग्रेटर देन म्यू एस एन, स्टैटिक फ्रिक्शन से मोर है तो ये फिर आगे मूव कर जाएगा, एक्सीलेट कर जाएगा। जब ये इधर एक्सीलेट करेगा तो इस साइड दो फोर्सेस एक्ट करेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन, एंड ये इधर आकर के फिर रुक जाएगा। तो जब ये रुक जाएगा उस समय स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। सो दिस साइड जब ये आगे नहीं मूव करेगा स्टॉप हो जाएगा, फिर स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। तो इस साइड दो फोर्सेस हैं, स्प्रिंग फोर्स एंड स्टैटिक फ्रिक्शन, दैट इज एम ए इज इक्वल टू म्यू स्टैटिक और एम जी, म्यू एम जी, म्यू एन एन नॉर्मल रिएक्टेंट फोर्स यहां पर एम सी है, प्लस के एक्स, के गिवन है स्प्रिंग कांस्टेंट, एक्स इज टू फाइंड, मास गिवन है और म्यू गिवन है, एंड दिस इज एक्सीलेशन, ये जो ट्रक एक्सीलेट कर रहा है वो इस साइड एक्सीलेट कर रहा है, ये भी गिवन है, तो आपको एक्स मिल जाएगा। दिस इज द क्वेश्चन, राइट? तो प्लीज आप इसे कर लीजिए, इन केस कोई डाउट है तो पूछ लो। ओके, बिल्कुल ही नहीं घबराना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। दिस इज ए ट्रैक, ट्रैक एक्सीलेट हो रहा है, ये स्यूडो फोर्सेस इसमें लगेंगे, विदाउट स्यूडो फोर्स साइंस पॉसिबल ही नहीं है। स्यूडो फोर्स को आपको अवॉइड नहीं कर सकते हैं किसी केस में, स्यूडो फोर्स तो एक्ट करता ही करता है, राइट? तो आप मेरे वीडियो देखिएगा, वीडियो 1-2, तो उसमें क्लियर हो जाएगा, दैट्स प्रॉपर सेंस ऑफ द स्यूडो फोर्स। खूब बोल रहिए, मजबूत रहिए, अपने को स्ट्रांग रहिए और बहुत ही पॉजिटिव रहिए, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, मेहनत करो, मेहनत का फल 100% आपको मिलेगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।